खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जयसवाल यूथ फेडरेशन का दिवाली फॉर ऑल उपक्रम वंचितों का जीवन प्रकाशमान करेगा। दिवाली का त्यौहार कुछ ही दिनों में आने वाला है और हम सब नए दिए जलाने में पटाखे फोड़ने में मशगूल हो जाएंगे, लेकिन हमारे समाज में ऐसे अनगिनत समाज बांधव ऐसे हैं जिन्हें अपने परिस्थिति के कारण त्यौहार मनाने का आनंद नहीं मिलता। एक तो वे त्यौहार मनाते नहीं या फिर मनाते हैं तो भी मर्यादित रूप में। ऐसे लोगों के जीवन में दिवाली की खुशी लाने के लिए जयसवाल यूथ फेडरेशन JYF ने सबके लिए दिवाली इस उपक्रम का आयोजन किया है। इस उपक्रम के माध्यम से समाज के वंचित घटकों को अपनी दिवाली अन्य लोगों जैसी मनाना आसान होगा। यह अभिनव उपक्रम 20 अक्टूबर को रूट मोबाइल के मलाड के दफ्तर में संपन्न हुआ। तो आइए आपको ले चलते हैं यहाँ उपस्थित अन्य मान्यवरों ने। जाना था जिसे दिल्ली, वो मुंबई की रेल में है, जाना भी ये नहीं क्या सही मिल रहे। कुछ ही लोगों ने पाया इसे, पर कहां मैं समझ पाया। जब समझाया तब घबराया, नए ने हमें हमेशा डराया, पुराना है जो वो गलत नहीं, मन को मार मार कर खुद को आश्वासन दिलाया। जीवन जीने से पहले क्यों बीमार हो तुम, खोजो अभी कुछ नया, खोजो अभी कुछ नया। हमारा जो फेडरेशन है जयसवाल यूथ फेडरेशन सपोर्टेड बाय सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, एक हमने हमेशा ये सोचा है कि दिवाली जो एक नॉर्मल आदमी जिसका 30,000 से 40,000 पगार होता है तो अच्छी तरह से दिवाली मना सकता है, अगर बहुत अच्छी तरह से नहीं लेकिन अच्छी तरह से मना सकता है। पर हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो शायद दिवाली के समय सोचता है कि हमें कितने पैसे उसको बचाना है या कैसे करना है, और शायद वो उस अच्छी तरह से दिवाली नहीं मना सकता। तो हमारे ट्रस्ट से और हमारे ये JYF ने हमने मिलकर कोशिश किया है कि उन वंचितों और उन गरीब बच्चों को या उन गरीब फैमिली को क्यों ना हम थोड़ी सी खुशी दें, और उसके लिए हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया है जिसमें हमारा एक गिफ्ट वाउचर बनाया है, सॉरी गिफ्ट पैक बनाया है, जिसके अंदर कुछ गिफ्ट है, यूटेंसिल्स है, चॉकलेट है, क्रैकर्स है, दिया है और स्वीट्स हैं, ताकि उनको एक खुशी आ जाए उनके जहन में और वो उस दिवाली को एक अच्छे ढंग से मना सके। यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है और उसके लिए मुझे सारे जायसवाल 6 संस्थाएं जो मुंबई की, उसका पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और मैं उनका थैंक यू करना चाहता हूं, और हमारे जो यंग बच्चे जो है JYF के, वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसको। एजुकेशन जो कोर है, एजुकेशन एक कोर है जो किसी भी संस्था, किसी भी समाज को एक दूसरे प्रगति पथ पर ले जाता है। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी संस्था सरस्वती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत जल्द ही एक स्कूल का अनाउंस करने वाली है कि हम एक स्कूल फॉर्म करने वाले हैं। इसमें हम उन बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी सीट रखेंगे, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा काम करेंगे, और साथ में हमने हेल्थ के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स रखा है ताकि हमारे जो गरीब तबका है उनके लिए, उनके हेल्थ के जो मेन हेल्थ इशूज़ के, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ काम हो सके। फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ जायसवालों को एक लाने का कोशिश किया है कि जैसे ये हमारा ग्रुप बढ़ेगा तो हम बाकी और लोगों को, उत्तर भारतीयों को इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, और ये जरूरी नहीं कि उत्तर भारतीय हों, ये सारे ओपन कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो भी
गरीब है या जो भी जो जैसे मेडिकल सपोर्ट होता है वो हर एक के लिए ओपन है हमारे ट्रस्ट से, और पिछले कई सालों से हमने ये अलग अलग कम्युनिटी के लिए करते आए हैं और करते रहेंगे इसके लिए। सर, इसके अलावा जॉब की भी बात की आप लोगों ने, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि जॉब को लेकर किस तरह का इनिशिएटिव है? सो जॉब आई थिंक हमारे जायसवाल में बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जॉब की ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। सिंस हमारा खुद का एक कॉल सेंटर है जिसमें लगभग 1700 लोग काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि अगले एक महीने के अंदर हम कुछ ऐसा जॉब फेयर का ऑर्गेनाइजेशन करें जिसके थ्रू लगभग 200 जायसवाल बच्चों को जॉब दे और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे ताकि अपना टैलेंट आके दिखा सके। जैसे कि मैं जायसवाल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे जायसवाल बहुत सी संस्थाएं हैं जो जायसवाल समाज के लिए काम कर रही हैं, तो जो राजदीप भैया हैं इनकी सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट है और जो इन्होंने न्यूली फॉर्म किया हुआ यूथ फेडरेशन, उसके माध्यम से हम जो लोग हमारे मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाके में है लोग जो समाज से जुड़े नहीं हैं और निचले दबे हुए वर्ग से में मतलब आते हैं, तो उनको हम ऊपर लाएँ, जिनके अंदर टैलेंट है उसको ऊपर लेके आए, इसका काम हम करेंगे आगे चल के। और मैं चाहता हूँ और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि यूथ को आगे लेके आए, क्योंकि झंडा तभी रुकेगा जब तक जब उसके अंदर डंडा होगा। सेम क्वेश्चन को आपके तरफ जी सर, अपनी जायसवाल सेवा संस्था वसई से मैं हूँ, जायसवाल सेवा संस्था जायसवाल फेडरेशन के साथ हम लोग शुरू से ही जुड़े हुए हैं और जायसवाल सेवा संस्था की का हमेशा सपोर्ट रहेगा जायसवाल फेडरेशन में, जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जायसवाल फेडरेशन के तहत और जो भी इनिशिएटिव राजीव भाई की तरफ से लिया जा रहा है फुल्ली सपोर्ट करेंगे हम लोग जायसवाल सेवा संस्था के। जायसवाल यूथ फेडरेशन, दिस इज अ संस्था फॉर पब्लिक एट लार्ज, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ जायसवाल ही होगा और कम्युनिटी बेस्ड नहीं है। प्रोबेबली मेंबर्स विल बी लाइक जायसवाल बट सर्विस विल बी फॉर ऑल। तो इसमें बहुत सारे जो भी सोशल इनिशिएटिव है, जो एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, और भी आगे आगे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे, जैसे मैराथन वगैरह है, ऐसे एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे एंड जिसमें ओनली जायसवाल होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें कोई भी एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व फॉर दिस सोशल कॉज। थैंक्स। जायसवाल संस्था में जुड़ा हुआ हूँ, हमें एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि उसकी एक कमी थी, पर राजदीप भाई और संदीप भाई के थ्रू हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है एक अचूक है, क्योंकि युवाओं में वो शक्ति होती है जो कुछ कर गुजरने की एक चाहत होती है और एक मौका उनको मिलना चाहिए। अगर उनको मौका और प्रॉपर प्लेटफॉर्म अगर मिलता है तो कोई भी असंभव चीज़ को करने में हिम्मत रखते हैं और वो करके दिखा सकते हैं, क्योंकि वो समाज को नई दिशा युवा लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि उनमें एक नया जोश, एक उमंग रहता है, एक तरंग रहता है, उसके माध्यम से वो समाज को नया मैसेज, नया दिशा और एक कार्य प्रणाली को चेंज कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले दिनों में। लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट, राहुल जायसवाल फ्रॉम जायसवाल सेवा संस्था वसई। जैसे कि यहाँ पे 8 से 10 कमेटी जो काम कर रहे हैं, जो सब सारे के सारे जुड़ गए जायसवाल यूथ फेडरेशन, द ऑल क्रेडिट गोज टू राजदीप गुप्ता एंड संदीप गुप्ता। अबाउट स्पोर्ट्स, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, ही हैज गिवन द प्रायोरिटी टू स्पोर्ट्स एज वेल। सो स्पोर्ट्स में जैसे कि कहा, जायसवालों में काफ़ी टैलेंटेड है, आज आप यशस्वी जायसवाल को देख ही रहे, जस्ट 2 दिन पहले उसने डबल सेंचुरी किया, सो जस्ट वी आर लुकिंग फॉर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हिम एंड वील प्रे फॉर हिम डेफिनेटली एंड मेनी थैंक्स फॉर राजदीप गुप्ता एंड संदीप गुप्ता। थैंक यू। मैं संजय गुप्ता, सेक्रेटरी डोंबिवली जायसवाल समाज सेवा संस्था। स्पोर्ट्स के बारे में स्पेशली जेवाएफ सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट है, इन्होंने जो टूर्नामेंट लिए थे इसमें हमारी टीम डोंबिवली ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और आखिरी दौर तक वहाँ चले थे। हमारे समाज के बच्चों को एजुकेशन साथ साथ स्पोर्ट्स में किस तरह से उन्नति हो, इसके बारे में जो स्पेशली सरस्वती देवी ट्रस्ट के जो राजदीप जी और संदीप जी ने जो इनिशिएटिव लिया है वो तारीफ़ काबिल है। और एक बात मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ, हमारे जायसवाल की बहुत ढेर सारी संस्था इस बम्बई में चलती हैं, तकरीबन 10-12, और इनको बहुत कठिन काम है कि जो एक लेकर चले, जो कठिन काम को बहुत आसान तरीके से लाकर आज इस एक प्लेटफॉर्म पर सभी संस्था के पदाधिकारी और उनके मेंबर्स यहाँ हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद रखता हूँ। अखिल मुंबई समाज से महिला अध्यक्ष हूँ। हम पूरे मुंबई में काफ़ी समाज हैं, 8 से लेकर 9 समाज हैं, लेकिन ये पहला हमें प्लेटफॉर्म मिला कि जायसवाल यूथ फेडरेशन राजदीप और संदीप जी की वजह से कि हम सब लोग एकजुट होके एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे
सब लोगों का साथ, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, उस तरह से हम एक साथ मिलके और सबका विकास करना चाहते हैं और हर लेवल पे, हेल्थ हो और लाइफ इंश्योरेंस हो, जॉब हो, जो भी हो, युवा से लेके वृद्ध तक हम उनका विकास करना चाहते हैं और हम सब राजदीप और संदीप जी के साथ हैं। राजदीप जी कर रहे हैं, सबके जयसवाल के लिए बहुत अच्छा है। हम भी चाहते हैं कि जयसवाल को हर फैमिली एजुकेटेड हो, कोई गरीब ना हो, हर फैमिली से अधिक है। राजदीप जी ने शुरू किया है बहुत ही अच्छा, तो हम श्री विंध्यवासिनी सेवा मंडल जयसवाल परिवार की तरफ से जो आज हमारा हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जयसवाल फेडरेशन का ब्लॉज जन्म हुआ है, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सभी जयसवाल सभी का अलग अलग कपड़े में जमी बोलते हैं, जो इकट्ठे होकर अलग अलग अपने अपने समाज के लिए कुछ कुछ करते हैं, वहाँ इकट्ठा होने का एक बहुत अच्छा मौका हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है जयसवाल यूथ फेडरेशन से ज्वाइन होकर, जहाँ पर हमें राजदीप जी और संदीप जी और बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें युवा से लेकर सारे